आखिरी चीज जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी काम में ले सकते हैं अपने दिमाग की क्षमता के हिसाब से, वो है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम को ध्यान देखें, मे बी समटाइम्स वी कैन यूज इट। सुनिए ध्यान से, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म का है पावर का एक्सपेंशन, ऐसे ट्राइनोमियल थ्योरम बन सकती है, ऐसे मल्टीनोमियल थ्योरम बन सकती है, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू करते करते प्लस एम की पावर एन, ये मल्टीनोमियल है। जैसे पॉलिनोमियल होता है ना, वैसे समझिए पॉलिनोमियल थ्योरम है, लेकिन मल्टीनोमियल है। यहां पर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल सब पर, इस थ्योरम में हम जो कुछ डिस्कस करेंगे, इस थ्योरम में हम जो कुछ डिस्कस करेंगे विल बी एप्लीकेबल टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, ट्राइनोमियल एक्सपेंशन, टू एवरी एक्सपेंशन। ये ध्यान देंगे, इस थ्योरम में हम जो कुछ डिस्कस करेंगे वो सब में वैलिड होगा, सब में वैलिड, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब में। अब सुनो बिल्कुल ध्यान से, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एम की पावर एक्स एन, ये है मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब, मल्टीपल टर्म्स के सम का एक्सपेंशन। ज्यादा नहीं, इसके अंदर हमको चार चीजें जाननी है बस, चार ही चीजें काम की हैं बस। इसमें मैं जो कुछ बता रहा हूं वो बाइनोमियल के एक्सपेंशन के लिए भी ट्रू है, ट्राइनोमियल के एक्सपेंशन के लिए भी ट्रू है, वो हर एक के लिए ट्रू है क्योंकि जनरल का एक्सपेंशन है। सुने ध्यान से, सबसे पहली चीज आती है नंबर ऑफ टर्म्स, कि भैया अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर कितने टर्म्स आएंगे। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर एन प्लस एम माइनस वन का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, इतने टर्म्स निकल के आते हैं इसके अंदर, दिस मच नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन प्लस एम माइनस वन सी एन टर्म आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, विच टर्म, कौन सा टर्म आएगा भाई, कितने टर्म आएंगे, कौन सा टर्म आएगा, ओनली टर्म्स ऑफ फॉर्म, केवल टर्म जिनकी शक्ल किस फॉर्म की है, एक्स वन की पावर पी वन इंटू एक्स टू की पावर पी टू इंटू एक्स थ्री की पावर पी थ्री करते करते इंटू एक्स एम की पावर पी एम, वेयर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री करते करते प्लस पी एम एन, केवल वही टर्म आएंगे जो कि इस रूप के होंगे, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी एम इक्वल टू एन, केवल वही टर्म आएंगे इसके अंदर, केवल वही टर्म आ पाएगा जिसका रूप ऐसा हो, कैसा हो, एक्स वन की कुछ पावर इंटू एक्स टू की कुछ पावर इंटू एक्स थ्री की कुछ पावर इंटू एक्स एम की कुछ पावर, केवल यही आएगा इसी प्रकार का टर्म। और जहां पर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी एम एन है, एक्चुअली एक्स वन की पावर पी वन, एक्स टू की पावर पी टू, एक्स थ्री की पावर पी थ्री, एक्स एम की पावर पी एन के फॉर्म का ही टर्म आएगा, लेकिन हर एक नहीं, जिसमें पावरों का सम टोटल पावर के बराबर हो, ये समझें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर मान लीजिए सिक्स है, क्या इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी पावर का सम टोटल पावर के बराबर नहीं है। क्या इसके अंदर एक्स फोर वाई वन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी पावर का सम टोटल पावर के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, न छोटा न बड़ा। क्या इसके अंदर एक्स फोर वाई वन जेड वन आ सकता है, हाँ, इसके एक्सपेंशन में ये टर्म आ सकता है। क्या इसके अंदर एक्स फाइव वाई वन आ सकता है, हाँ ये आ सकता है, ध्यान देना। तो पहली चीज, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आते हैं, दूसरी चीज, इसके एक्सपेंशन में कौन सा टर्म आना संभव है, तीसरी चीज, अब जो टर्म आ रहा है उसका कोफिशियंट, तो यहां आएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स वन की पावर पी वन इंटू एक्स टू की पावर पी टू इंटू एक्स एम की पावर पी एम, कोफिशियंट ऑफ दिस इज टोटल का फैक्टोरियल अपॉन पी वन फैक्टोरियल, पी टू फैक्टोरियल करते करते पी एम फैक्टोरियल, ये लीजिए ये आ गया इसका फैक्टोरियल, ये चीज कहलाती है, इसको कहते हैं मल्टीनोमियल कोफिशियंट, मल्टीनोमियल कोफिशियंट।
देखो बाइनोमियल में भी वैलिड है, कुछ नहीं, अगर कोई टर्म आएगा तो उसका कोफिशियंट होगा टोटल का फैक्टोरियल अपॉन हर एक की पावर का फैक्टोरियल। लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं दो दो तीन तीन बार लिखता हूं, उसके बाद भी बच्चा गड़बड़ करता ही है, कि इन सब का सम एन होना चाहिए, इन सब का सम एन होना चाहिए, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी एम इज एन। ये मल्टीनोमियल कोफिशियंट कहलाता है। मैंने आपको बताया कि हमें चार ही बातें जाननी है। पहली चीज कितने टर्म आते हैं, दूसरी चीज कौन सा टर्म आता है, तीसरी चीज जो टर्म आता है उसका कोफिशियंट क्या है। अब चौथी और आखिरी चीज यहां पर मैं बताऊंगा, चौथी चीज जो इसके अंदर सीखनी है आप लोगों को, जो कि आईआईटी के थोड़ा रेलेवेंट है, आईआईटी के थोड़ा काम की है, चौथी चीज है फाइंडिंग कोफिशियंट। अब मैं आपको फाइंडिंग कोफिशियंट की ट्रिक या तरीका बताने जा रहा हूं। ट्रिक तो क्या है, फाइंडिंग कोफिशियंट का तरीका है। बिल्कुल ध्यान से सुने, फाइंडिंग कोफिशियंट, बिल्कुल ध्यान से सुने फाइंडिंग कोफिशियंट का, एक मिनट। अब सुनिए बिल्कुल ध्यान से, कोफिशियंट निकालने की ट्रिक या तरीका। मान लो कोई हमसे बोले कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर की पावर 9। अब समझिए, अब ये बाइनोमियल तो है नहीं, आप चाहो तो दो टर्म को क्लब करके बाइनोमियल बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्टली भी x की पावर 5 का कोफिशियंट निकाल सकते हैं। आप सोचिए कि तीन टर्म है आपके पास, सोचिए आराम से, तीन टर्म है, 1 2 3, और सारे टर्म मल्टीप्लाई होके आएंगे एक्सपेंशन में, तो सोचो हर टर्म को क्या क्या पावर दूं, सोचिए हर टर्म को क्या क्या पावर दूं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 5 बन जाए, सोचिए हर टर्म को क्या क्या पावर दूं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 5 बन जाए। देखो, या तो इसको पूरी 5 पावर दे दो, तो इसको कुछ मत दो, तो इसको 4 दे दो तो x की पावर 5 बन जाएगा, या इसको 1 पावर दो और इसको 3 पावर दे दो तो इसको 5 पावर दे दो, तो कांस्टेंट है, फिर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 बन जाएगा, अगर इसको 2 पावर दे दो, इसको 1 पावर दे दो तो 3, तो इसको 6 पावर दे दो, केवल इन तीन पावरों को देने पर x की पावर 5 बनेगा। आपको सोचना है इसका जो भी जनरल टर्म आएगा वो कैसा आएगा, इसका जनरल टर्म आएगा 2 की पावर समथिंग इंटू 3x की पावर समथिंग इंटू 4x स्क्वायर की पावर समथिंग होल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3 फैक्टोरियल वेयर p1 प्लस p2 प्लस p3 इज 9। ये इसका जनरल टर्म है, यूं समझिए, ये इसका जनरल टर्म है। अब सोचिए कि इनमें p1 p2 p3 ऐसा क्या क्या रखें कि x की पावर 5 बन जाए एक्चुअली, तो अपने आप सोचिए कि p3 को अगर 0 रख दें तो p2 को 5 कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर निकल के आ जाएगा कोफिशियंट ऑफ x की पावर 5 इज कितना आ जाएगा, अब देखो 4 5 0 में आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4 भी आएगा कोफिशियंट में और 3 की पावर 5 भी आएगा। कोफिशियंट का मतलब होता है जो कुछ उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो चलो ये आ गया प्लस, एक तो 4 5 0 करके बन सकता है, 5 3 1 करके कैसे बनेगा, 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 5 3 का क्यूब 4 की पावर 1 प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 6 3 की पावर 1 4 का स्क्वायर। ये देखिए, ये आ गया कोफिशियंट ऑफ x की पावर 5। इस प्रकार से अपन किसी भी पावर का चालाकी से कोफिशियंट निकाल सकते हैं, अगर अपन को जनरल टर्म ऐसे समझ में आ गया है।
कॉपी करिए, ये जनरल टर्म कैसे आया, इसके एक्सपेंशन में केवल इस प्रकार का टर्म आएगा और इस प्रकार के टर्म का कोफिशियंट ये होगा, तो दिस इंटू दिस टर्म बनेगा। तो ये रहा ये जनरल टर्म है इसका, यानी इसके एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर जितने भी टर्म आएंगे वो सब इसी रूप के आएंगे, इसी प्रकार के दिखाई पड़ेंगे। दिस फिनिशेस द चैप्टर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। चल हाँ अब